महानगर कोलकाता के बिरला एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर में आज बंगाल आर्ट फैक्ट्री की ओर से कला कार्यशाला यानी कि आर्ट वर्कशॉप 2022 शोकास्ट की गई थी, जिसमें लगभग 40 के करीब कलाकारों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाई। इस मौके पर ICCR के पूर्व महानिर्देशक गौतम दे, पंडित देवज्योति बोस, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एहतशामुल हक, तृणमूल कांग्रेस की संपादिका मुसर्रत खानम व जाने माने सिविल इंजीनियर चंद्रचूर भट्टाचार्य मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कलाकारों की हौसला अफजाई की और साथ ही साथ बंगाल के कल्चर को और कैसे डेवलप किया जाए इस पर चर्चा की गई। इस अवसर पर बंगाल आर्ट फैक्ट्री के कन्वेनर किंकर बनर्जी ने कलाकारों को बखूबी गाइड किया। पार्टिसिपेंट्स ने एनवायरमेंट अवेयरनेस को लेकर भी अपनी कलाकारी दिखाई। वहीं इस अवसर पर अतिथियों के हाथों सभी कलाकारों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मैं एक कथा तो अनबद्य प्रयास किंकर बाबूर बंगाल आर्ट फैक्ट्री तरफ थे उन्हें ये एक प्लैटफर्म दिखान एक स्पेस दिखान शिल्पी इटा मन खूब जरूरी आ कि क्यों हमार मन जो एखंड शिल्पी बहु ग्रामगंज शहर के आसान ता बिरला एकेडमी ICCR तरा एक्सिबिशन करा क्यों वो पक्षे खूब गौरवर कथा। सब चे बड़ कथा हे जदि बहु लोक एखे छवि देखते आसें ते छबर प्रति भलोबासा जन्मा छवि के भलोबास छवि क्रय विक्रय खूब दरकार मुहूर्ते मना है। आज के जे वार्कशप कर प्राय 25 जन शिल्पी मिले ये एक अनबद्य प्रयास बजे एक कम्यूनिटी जो एक फिलिंग जो हमें सबाई मिले छवि आँकी एक संगे बसे परस्पर के शेयर कर दुख आनंद भलोबासागुलो ये क्योंकि बिराट बेपार क्योंकि सत्यारे सुस्थ समाज तैरी करते शिल्प एकमत परे जो पृथ्वी शांतर सुख शांति समृद्धिर जो क्यों शिल्पे एक बड़ प्रयोजन आज कखो से बला है जो आर्ट एंड कल्चर इज द बिगेस्ट सॉफ्ट पावर ये पॉलिटिकल डिफरेंस बोल हिंसा के जखने आर्ट एंड कल्चर चले आसे तक मना है जो इटा क्योंकि मानुष के सबा के बेधे रखे सूतरा एक प्रशंसन उद्योग हमारे अत्यंत भल लेगे जे एरा एक सुंदर एक अनुष्ठान करलें এবং আমি ওদের বিশেষ করে শিল্পীদের কথা বলি যে তারা যে উৎসাহ দেখিয়েছেন এটা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক পোস্ট কোভিড কালে। এবং এই কথা বলে আমি বলতে পারি যেন এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও বেশি করে হোক শিল্পীর স্বার্থে এবং শিল্পের স্বার্থে। ইয়ে বহুত হি বড়া ইনিশিয়েটিভ লিয়ে লিয়ে আমারে কিঙ্কর ব্যানার্জি যো পিছলে হামসে হামারি তালুকাত উনসে তকরিবন 6-7 সালোন সে হ্যায় और ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जो बड़े बड़े जो शिल्पी है वो जो इस जगह में इनको ये प्लेटफॉर्म देते कर करके और ये पूरा एग्जीबिशन आर्ट का बंगाल जो है आर्ट से ही जाना जाता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो समझ लीजिए यहाँ के जितने भी कलाकार है जो भी आर्ट से रिलेटेड है या फिर समझ लीजिए गाना बजाना से जो भी रिलेटेड है तो ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे मुल्क में समझ लीजिए पूरी दुनिया में जो है ये नुमाइश करते हैं। तो मैं बहुत ही यहाँ आ करके मुझे खुशी हो रही है कि मुझे यहाँ आ करके भाग लेने में इसलिए कि इतना बड़े प्लेटफॉर्म में जहाँ हमारे तमाम लोग यहाँ मौजूद थे तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और किंकर बनर्जी को हम बहुत मुबारकबाद देंगे कि आप देखिए जिस तरह से हमारी नेत्री ममता बनर्जी कहती है धर्मो जार जार उत्सव सभा तो ये कितनी खुशी का लम्हा है कि हमारे पंडित अभी सुरजीत बोस थे हमारे एक्स डायरेक्टर गौतम दे हमारे बहन मुसर्रत खानम हमारे इंजीनियर छोटा भाई चंद्रचूर भाई हमारे बीच में है तो ये बहुत ही समझ लिए ये जिस तरह से हम कहेंगे कि ये एक अच्छा वार्ता है ये मैसेज है हम तमाम लोगों को कहेंगे कि आर्ट कल्चर से जुड़े और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि हमारे बंगाल का डेवलपमेंट हो बंगाल का इकोनॉमिक जो है इससे भी हमारा और डेवलप होगा तो ये अच्छा मैसेज है। मैं अपने तरफ से धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ। आर्ट से दूर होते जा रहे हैं क्या लगता है कि क्या करने से लोग आर्ट की तरफ आएंगे? देखिए इस तरह से जो इस तरह से इन्होंने अभी ये जो अभी ये लिए हैं यहाँ एग्जीबिशन तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इनको समझ लिए हमारे बंगाल का जो भी माने इस तरह आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव समझ लिए लेना पड़ेगा हर लोगों को और हम तमाम नेताओं को भी समझ लिए हमारा जो बंगाल का ये बना हुआ रहे
उसको बरकरार रखने के लिए हम तमाम इन लोगों जितने भी हमारे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, जितने भी बच्चे जो हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, उनके पीछे खड़ा रहना होगा और तभी हमारा यहाँ का समझ लिया आर्ट कल्चर से तमाम लोग जो है युक्त होकर के ये विकास की ओर बढ़ेंगे और डेवलपमेंट होंगे। क्या एक्सपीरियंस यहाँ से आप मतलब लेके जा रहे हैं? देखिए, मैंने यही देखा कि यहाँ एक्सपीरियंस इनका 163वां आर्ट एग्जीबिशन बंगाल आर्ट फैक्ट्री के जरिए हुआ। मैं तकरीबन 25 से 30 आर्ट एग्जीबिशन में मैं यहाँ शामिल हुआ हूँ अतिथि के तौर पर, तो ये दिन ब दिन इंक्रेजमेंट हो रहा है और आए दिन समझ लीजिए इससे बहुत बड़ा आने वाला दिन में हमारे जितने भी गांव देहात जितने भी देही इलाकों के लोग हैं उनको किंकर बनर्जी जो समझ लीजिए बंगाल आर्ट फैक्ट्री चलाते हैं उनके जैसे एक आदमी नेतृत्व जो प्लेटफॉर्म दे करके बढ़ावा दे रहे हैं, तो देखिए तरह तरह के हर किस्म के ये समझ लीजिए कि यहाँ फोटोग्राफी एग्जीबिशन हो रहा है, तो ये जो है हमारे राज्य का विकास होगा और ये बहुत अच्छा कदम है। मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ और ऐसे लोगों का जो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं बंगाल के तमाम जो हमारे आर्ट फैक्ट्री के तमाम जितने भी लोग हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम है और ये इस कदम में उनके साथ में मत मिला के चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहे हैं और अभी जैसा कि बच्चे मोबाइल से ज़्यादा अटैच हो गए और ये सारा आर्ट और ये सारी दुनिया लगभग भूल ही चले, तो अभी यहाँ आने के बाद एक नया एक्सपीरियंस हुआ कि अभी भी लोग इतने अच्छे से आर्ट की दुनिया में काम कर रहे हैं और ख़ास करके ये जो हमारे पिंकर बैनर्जी साहब हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, उनकी भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इतने अच्छे प्रोग्राम को इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके ये फिर से एक बार दिखाने की कोशिश की गई। और आर्ट जो है वो हमारे बंगाल का एक गर्व है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में हमारा बंगाल जो है वो फेमस है, आर्ट हो या गाने की दुनिया हो सिंगिंग की दुनिया हो, तो इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके इससे जितना ये आगे बढ़ेगा उससे हमें ही अच्छा लगेगा और बच्चों को मोबाइल से दूर करके थोड़ा आर्ट की दुनिया में अगर ले आया जाए तो ज़्यादा बेहतर ही होगा। किंकरের সঙ্গে আমি অনেক দিনই জড়িত আছি বেঙ্গল আর্ট ফ্যাক্টরির সঙ্গে এবং এদের বিভিন্ন এক্সিবিশনে আমাকে এরা অতিথি হিসেবে ডাকে, এটারও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি ছিলাম এবং আজকে যে ওয়ার্কশপটা হলো এখান থেকে অনেক শিল্পী উঠে আসার একটা সম্ভাবনা আছে। ভালো ভালো মানে আর্ট এরা তৈরি করছে এবং লোককে দেখাচ্ছে, কিছু কিছু আর্ট বিক্রিও হচ্ছে, কাজেই একটা বাজার তৈরি আছে, আরও ভালো বাজারটা তৈরি হোক এটাই আমরা চাইব এবং ভবিষ্যতে আর্ট ফ্যাক্টরি আরও ভালো কাজ করুক এটা আমরা চাইব। চল, ও আমাদের এই এক্সিবিশনটা বসন্ত বিড়লা আর্ট গ্যালারিতে হচ্ছে, বিড়লা একাডেমির সবথেকে বড় আর্ট গ্যালারি। এখানে 164th আর্ট এক্সিবিশন, 164তম আর্ট এক্সিবিশন, এখানে 130খানা আর্ট ওয়ার্ক আছে এবং 40 জন পার্টিসিপেন্ট আছে। আজকের এক্সিবিশনের শেষতম দিন, এই দিন উপলক্ষে এখানে ফ্লোর আর্ট ওয়ার্কশপ, সিনিয়র পেইন্টাররা বসে তাদের কাজ করেছেন এবং জুনিয়র পেইন্টার তারা দেখে তাদের মধ্যে থেকে শিল্পকলা শিল্প ভাবনা কীভাবে শিল্পকলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যায় তারা সেই সহযোগিতা পেয়েছে, তারা সেই আইডিয়া পেয়েছে। এবং আজকের সবথেকে উপস্থিত ছিলেন স্থামূলক সিদ্দিকী, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোশাররফ খানান মহাশয়া, দেবজ্যোতি রায় মহাশয়, বাংলা মিউজিক স্টেট একাডেমির কনভেনর গৌতম দে, ফর্মার ডিরেক্টর অফ ICCR, এবং সমস্ত পেইন্টার পার্টিসিপেন্ট সবাই ছিল। একটাই দেবো যে এখনও দেখলাম এরকম মানুষ আছেন যারা শিল্প সংস্কৃতিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। একটু আগেই গৌতমবাবু বলছিলেন যে এখন এই মুহূর্তে একটা ক্রাইসিস প্রত্যেক শিল্পীকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তো সেখান থেকে দাঁড়িয়ে এখনও যে এত উৎসাহ দেহা এত সুন্দরভাবে আয়োজন করা সেটা আমি অবশ্যই একটা সাধুবাদ দেবো এবং আশা করব ভবিষ্যতে আমি তো নিশ্চয়ই আমার যতদূর সম্ভব আমি থাকবো পাশে, সবাই যদি থাকে পাশে তাহলে নিশ্চয়ই এই কাজ আরও অনেক ভালোভাবে করতে পারবে।